हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्नर स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 15 इंच है, चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पर हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डिपनेस हम 9.5 इंच रखेंगे। तो हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से बॉक्स बना लिया है। अब हम राउंड गले का इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए, हमने राउंड गले का शेप दे दिया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले को काट लिया है। हमारा गला कटिंग इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को पहले अच्छी तरह से फैला लेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे। हर जगह पिन अटैच कर लेंगे और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने नीचे भी सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बीच के गले के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। हल्का हल्का कट लगा लेंगे पूरे गले पर। तो देखिए, हमने कट लगा लिया है और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हम पलट लेंगे। अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने गले की सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ चौकोर कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2 इंच है। और यहाँ पर देखिए, हम इसे पहले त्रिभुज की तरह मोड़ लिए हैं, फिर उसे दोनों साइड से मोड़ते हुए इस तरह से डिजाइन बना लिए हैं। और अब हम देखिए, पूरे गले पर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम पूरे गले पर अटैच कर लिए हैं। इस तरह से देखिए, हमने पूरे गले पर अटैच कर लिया। अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हम लैस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, नीचे में हम एक लैस लिए हैं, उसे लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हम लैस को लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ मोती ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, दोनों पैटर्न को मिलाते हुए बीच में मोती लगाते जाएंगे। इस तरह से देखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से मोती लगा लिया है। ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।